मैं इस स्टेज के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सीधे सीधे तौर पे चार सवाल पूछना चाहता हूं। अगर दी मोदी जी आप में 1% भी इंसानियत है और राष्ट्रवाद है तो मेरे चार सवाल का आप जवाब दीजिए। अगर दी आप मेरे चारों सवालों का जवाब दोगे तो मैं यहां से राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। मोदी जी 2014 के चुनाव में आने से पहले आप कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब जवान तेज बहादुर ने आपका साथ दिया और बीएसएफ के अंदर होने वाले भ्रष्टाचार को दिखाया तो आपने क्या किया? एक जवान को बर्खास्त किया, लेकिन उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कोई खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं। क्या इस सवाल का जवाब है मोदी जी के पास कोई? आप दिन रात सेना के नाम पे वोट मांगते हैं, अर्धसैनिक बलों के नाम पे वोट मांगते हैं। अगर यदि आप अर्धसैनिक बलों के नाम पे वोट मांगते हैं तो क्या आपने अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दिया? आप पहले अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दीजिए। आप हर जगह सेना का नाम लेके वोट मांगते हैं, एक दिन कोई मंत्री बन जाता है उसे आजीवन पेंशन है, लेकिन ये मेरे अर्धसैनिक बल के जितने भाई और बहनें खड़ी हैं 58 साल तक नौकरी करने के बावजूद भी आपने इनको पेंशन तक नहीं दिया। हम क्यों दें आपको वोट? मोदी जी से मेरे ये सवाल आ कर दी मोदी जी एक भी मेरे सवाल का जवाब दें तो मैं पूरे बनारस की जनता के सामने वादा करता हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर भी मोदी जी एक भी सवाल का जवाब दे दे, हमने तो कसम खाई है मोदी जी आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो 23 तारीख के बाद जब नए प्रधानमंत्री हमारे महागठबंधन के आएंगे तो हम ये सारे वायदे पूरे करके दिखाएंगे। आपने तो नहीं किया। जितने भी मेरे अर्धसैनिक बल के भाई हैं उनके परिवार बैठे हैं, जितने भी सैनिक भाइयों के परिवार हैं उनसे हम वादा करते हैं कि मोदी जी ने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। मोदी जी आप गैर तरीके से मेरा पर्चा निरस्त जरूर करा सकते हो, लेकिन आप किसी भी हालात में मुझे संसद जाने से नहीं रोक सकते। और मैं जिस दिन संसद जाऊंगा मेरा पहला सवाल यही होगा, पुलवामा हमले की जांच, जिसके नाम पे आज वोट मांग रहे हो। और पुलवामा हमले के जो दोषी हैं उनको सबसे पहले फांसी की सजा।